गेहूं के आटे और गाजर से ये बना है पास्ता। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और खाने में बहुत ही हेल्दी है, साथ में चटपटा है, घर में सभी लोगों को पसंद आएगा और बच्चे को भी बहुत पसंद आएगा ये पास्ता। नमस्कार फ्रेंड्स, इंडियन शेफ में आपका स्वागत है। आज गाजर से हम बनाएंगे पास्ता। ये हम गाजर ले लिए हैं, गाजर को धोकर अच्छे से छील लिए ऊपर से और साफ कर लिए हैं। इसको हम कट कर लेंगे एक एक करके। ऐसे ही सारे गाजर को कट कर लेंगे और इसे हम टोपे में निकाल लेंगे और इसमें पानी डाल के सॉफ्ट होने तक हम बॉयल कर लेंगे गाजर को। गैस को जला लेंगे और गाजर को थोड़ा से बॉयल कर लेंगे। गाजर को चेक कर लेंगे, गाजर हमारा यहाँ पर सॉफ्ट हो गया है। इसको बाहर निकाल लेंगे, पानी से गैस को बंद कर लेंगे। मिक्सी जार ले लिए यहाँ पर और जो गाजर हमारे पास है उसको हम मिक्सी जार के अंदर डाल के ग्लेंडर कर लेंगे। सारे गाजर को डाल के ग्लेंडर करेंगे, ढक्कन लगा लेंगे, मिक्सी जार को खोल लेंगे। हमारे गाजर ग्लेंडर हो गए हैं, कुछ ऐसे दिख रहे हैं ग्लेंडर होने के बाद। इसे हम थाली में निकाल लेंगे, गाजर के पेस्ट को। ऐसे ही सारे गाजर के पेस्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। गेहूं का आटा डालेंगे गाजर के ऊपर जो पेस्ट है, और साथ में हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे हाथों से मिक्स करेंगे। साथ में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर गेहूं का आटा डाल के मिक्स करते रहेंगे और मिलाते रहेंगे हाथों से। ऐसे ही पास्ता का मेरा आटा लग के तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से हमारा आटा लगा है। थोड़े से हम पानी लगाएंगे हथेलियों पे और थोड़ा सा हम आटा लेंगे और इसे छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे आटे का लेंगे और इसको हाथों से दबा देंगे हाथों से इसे, और बीच में ऐसे छेद कर देंगे। इरिंग जैसा हमारा बन गया है, कुछ ऐसे ही बना लेंगे हम। पर हमने पानी गर्म कर लिया है और एक एक बना के ऐसे हम पानी के अंदर डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको हम पका लिए हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे, पक गया है छान कर पानी को। ऐसे ही छान कर निकालेंगे पानी को, पानी में से छान कर हम बाहर निकाल लिए हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं। गैस जलाकर यहाँ पर हम सरसों का तेल ले रहे हैं, 2 टेबल स्पून। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया हमारा यहाँ पर और इसके अंदर हम एक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। चलाते हुए प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। कटा हुआ टमाटर डालेंगे कढ़ाई के अंदर और इसे भी हम चला के भून लेंगे। साथ में हम टमाटर को गलाने के लिए यहाँ पर नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून। 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने गाजर और आटे से पास्ता बनाया है इसे आप ऐसे भी खा सकती हो और इस मसाले के अंदर भी डालकर मसाला वाला पास्ता बनाकर इसे अच्छे से मिलाकर बना सकते हो ऐसे भी, और इसे बनाने थोड़ा चटपटा बन जाएगा। कटा हुआ धनिया डाल लेंगे थोड़ा सा और इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे अब इसको।
पास्ता को हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे ही। पास्ता के ऊपर थोड़ा सा हमने धनिया लगा लिया है। ये हमारे गाजर और गेहूं के आटे से पास्ता बनके तैयार हो गया है। अगर हमारे पास्ता की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।